चंद्रयान 2 से हिंदुस्तान के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। इस स्पेस क्राफ्ट ने वो मुश्किल भी पार कर ली है जिसको लेकर इसरो प्रमुख से लेकर पूरी टीम इसरो की सांसें अटकी हुई थी। चंद्रयान 2 ने धरती की कक्षा को छोड़कर चांद की ओर लंबी उड़ान भर ली है। यान को इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्र पथ पर डालने के लिए बुधवार सुबह एक बड़े मिशन प्रोसेस को अंजाम दिया। इसरो के मुताबिक 14 अगस्त को तड़के 3:30 बजे ट्रांस लूनर इंजेक्शन यानी TLI को अंजाम दिया गया। इस अभियान चरण के बाद चंद्रयान 2 धरती की कक्षा को छोड़कर चांद की तरफ बढ़ गया। पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा के बीच के गलियारे की ये यात्रा 7 दिनों की होगी, यानी चंद्रयान 2 अब 20 अगस्त को चांद के पास पहुंच जाएगा, जिसके बाद चांद के पास सिलसिलेवार अभियान प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा। उसके बाद 31 अगस्त तक चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करता रहेगा। यान को चांद के करीब पहुंचाने के लिए इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाएगा और इसे 100 किलोमीटर ऊपर वाली कक्षा तक पहुंचाया जाएगा, जहां पहुंचने पर यान का ऑर्बिटर और लैंडर अलग हो जाएंगे। इसके बाद लैंडर की स्पीड में बदलाव करके इसे चांद की सतह से न्यूनतम 30 किलोमीटर और अधिकतम 100 किलोमीटर वाली कक्षा तक पहुंचाया जाएगा। चांद की कक्षा में घुसने के करीब 18 दिन बाद यानी 7 सितंबर को चंद्रयान चांद की सतह पर उतारा जाएगा। ये स्पेस क्राफ्ट चांद के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक उतारा जाएगा, जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया है। इसरो अब तक चंद्रयान 2 को पृथ्वी की कक्षा में ऊपर उठाने की 6 प्रक्रियाओं को अंजाम दे चुका है। 5वें प्रक्रिया चरण को 6 अगस्त को अंजाम दिया गया था। इसरो का कहना है कि अंतरिक्ष यान के सभी मानक सामान्य हैं। ऑर्बिट मनुवरिंग के बाद ट्रांस लूनर इंजर्शन की प्रक्रिया को यान में मौजूद प्रपल्सन सिस्टम को फायर करके अंजाम दिया जाता है, यानी स्पेस क्राफ्ट का इंजन चालू किया जाता है जो रॉकेट की तरह फायर करके यान को आगे की कक्षा में उछाल देता है। अब तक कामयाबी के झंडे गाड़ रहा स्पेस क्राफ्ट अच्छी तरह काम कर रहा है। We have planned to have a series of maneuvers around the moon. Finally, on September 7th, we'll be landing on the moon near South Pole without any problem. This is our plan. Chandrayaan 2 is doing very well, and you could have seen that orbiter, the lander image taken by Chandrayaan 2. It was fantastic. The systems are functioning very well, and everything is going normal, and we will be achieving the soft landing near South Pole as we planned. आपको बता दें कि चंद्रयान 2 का वजन 3.8 टन है। इसके तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा ऑर्बिटर है, जो चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली कक्षा में चक्कर लगाएगा, 1 साल तक मिशन पर रहेगा। हालांकि इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी परफॉर्मेंस शानदार रही है, लिहाजा ईंधन बचने के कारण अब ये 2 साल तक चक्कर लगा सकता है। चंद्रयान का दूसरा पार्ट है लैंडर विक्रम, जो चांद पर आहिस्ता आहिस्ता उतरेगा। यान का तीसरा और महत्वपूर्ण पार्ट है रोवर प्रज्ञान, जो चांद की सतह पर एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देगा। चंद्रयान 22 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जिसके पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद बेंगलोर में इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के 100 वैज्ञानिकों की टीम इस पर हर पल नजर बनाए हुए है।